मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तेज रफ्तार बाइक सवार दो लड़के फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिर गए हैं, जिसमें एक लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि दूसरे लड़के की हालत स्थिर है। दोनों लड़कों की उम्र 19 से 20 वर्ष बताई जा रही है। दोनों भिवंडी के गायत्री नगर के रहने वाले हैं और दोस्त के बर्थडे पार्टी मनाकर ये वापस लौट रहे थे। हादसा देर रात भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर ब्रिज पर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़के इस फ्लाईओवर ब्रिज पर तेज रफ्तार में थे और संतुलन बिगड़ने से ब्रिज पर ही इनकी बाइक रह गई और ये दोनों हवा में उड़ते हुए नीचे बेनी प्रसाद पेट्रोल पंप पर गिरे। दोनों की हालत गंभीर है और घायल अवस्था में इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है जबकि दूसरे का इलाज जारी है। गांधी उड़ान पुल पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी मिली है और क्या लगता है क्या मतलब? राजीव गांधी उड़ान पुल पर एक्सीडेंट झाले तेव्हा आम्हाला 2:45 कॉल झाला की ऍक्सिडेंट झाला आहे असं। आम्ही तात्काळ त्या ठिकाणी गेलो, तिथं ब्रिजवरून दोन लोक खाली पडलेले होते, त्यांना तात्काळ उचलून आयजीएम रुग्णालय इथे आणले आणि त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार झाले आणि एकाला गंभीर दुखापत असल्यामुळे त्याला छत्रपती शिवाजी हॉस्पिटल कडवा येथे रेफर केले। म्हणजे तीन लोक होते, त्याच्यापैकी दोन लोक हे खाली पडले, एक वरती होता पण तो त्या ठिकाणी मिळून आला, तो निघून गेला घरी आणि दुसरा जो आहे त्याच्यावर आता इथं उपचार चालू आहे, त्याचा जबाब घेतलेला आहे आणि मी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करीत आहोत।